धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी रमेश जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी अखियां रस भरियां असा नाल गुरां दे लाइयां, अखियां रस भरियां जी अखियां रस भरियां, जुदा होन ते देन दुहाइयां, अखियां रस भरियां जी अखियां रस भरियां, असा नाल गुरां दे लाइयां जी अखियां रस भरियां। शा मस्ताने ताई अरशदा जो मालिक साई, मालिक साई जिन्हें लाके तोड़ निभाइया के अखियां, ओ अखियां दस भरियां, अस नाल गुनाह ने लाइया अखियां रस भरियां। है शस नाम जी प्यारा, शाम मस्तान जी दी अखियां दा तारा, अखियां दा तारा, चल सकदा नी एड जताइयां की अखियां, ओ अखियां दस भरियां, अस नाल गुरां दे लाइयां अखियां दस भरियां जी अखियां दस भरियां, अस नाल गुरां दे लाइयां अखियां रस भरियां। पर प्रेम दी ला दवा है, सब तो डाढ़ी बुरी बला है, बुरी बला है, तेरे हाथ छुपाइयां, तेरे हाथ छुपाइयां कि अखियां रस भरियां, जुदा होन ते देन दुहाइयां अखियां रस भरियां जी अखियां रस भरियां, अस नाल गुरां दे लाइयां अखियां रस भरियां। बहुत निथावा तेरा दर छड किस दर जावा, किस दर जावा, दस दिन दा है कूक दुहाइया, दस दिन दा है कूक दुहाइया की अखियां, ओ अखियां दस भरियां, अस नाल गुरां दे लाइयां अखियां रस भरियां अखियां रस भरियां, जुत होन ते देन दुहाइयां अखियां रस भरियां, ओ अखियां जी अखियां रस भरियां, अस नाल गुरां दे लाइयां अखियां रस भरियां, जुत होन ते देन दुहाइयां अखियां रस भरियां। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर के दर्शन पाओ जी, लगी दिल की प्यास बुझाओ जी, thank you.
दर्शन पाओ जी, लगी दिल की प्यास बुझाओ जी, है खुले भंडारे, है खुले भंडारे सतगुरु के, लो लूट नजारे सतगुरु के। अप्रैल महीना आया जी, खुशियां ही खुशियां लाया जी, अप्रैल महीना आया जी, खुशियां ही खुशियां लाया जी, सब मिलकर खुशी मनाएंगे, झूमेंगे नाचें गाएंगे। खुशियों का आलम लाए जी, शामस्ताना जी आए जी, खुशियों का आलम लाए जी, सुख भरी अप्रैल है आई जी, ओ सबको लाख बधाई जी। सबकी करने रखवाली जी, आए हैं तो जगवाली जी, सतगुरु जी राखी लाजा जी, रहमत से हमें नवाजा जी। धर्म चलाया जी, सीधा रास्ता है बतलाया जी, सच्चा सौदा धर्म चलाया जी, सीधा रास्ता है बतलाया जी, मुक्ति का मार्ग नाम दिया, सब बंधनों से आजाद किया। सतनाम जियो कुल मालिक जिंदा राम जियो, शाहों के शाह सतनाम जियो कुल मालिक जिंदा राम जियो, धन धन जी सतगुरु जी दाता, रहे जुड़ा आपसे जी नाता। अप्रैल महीना आया जी, खुशियां ही खुशियां लाया जी, अप्रैल महीना आया जी, खुशियां ही खुशियां लाया जी, सब मिलकर खुशी मनाएंगे, झूमेंगे नाचें गाएंगे, सब मिलकर खुशी मनाएंगे, झूमेंगे नाचें गाएंगे, सब मिलकर खुशी मनाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राम नाम वर्गी दवाई कोई ना, करे जो इलाज हर रोग दा, राम नाम वरगी दवाई कोई ना, करे जो इलाज हर रोग दा, राम नाम वरगी दवाई कोई ना, करे जो इलाज हर रोग दा, जेड़ा सतगुरु दे बचन मनदा, जेड़ा सतगुरु दे बचन मनदा, तो ही जहानी सुख भोगदा, तो ही जहानी सुख भोगदा।
तड़फ सच्ची रब पाउण दी होवे जे तड़फ सच्ची रब पाउण दी मिलदा है फाली की खोजदा राम नाम वरी की दवाई कोई ना करे जो इलाज हर रोग का चुरासी काल वाली फांसी नाम फंदिया नू तोड़दा मिलदे खजाने सोने नजराने जो नाता रब नाल जोड़दा सुमरनी तारी किला फतेह हुंदा ए सुमरनी तारी किला फतेह हुंदा ए माया लोभ मोह का करोड़दा की दवाई कोई ना करे जो इलाज हर रोग का मीत प्यारा रूहां दा बनजारा सबली दुआ मां मंगदा धुपदियां नू तारे लाउंदा है किनारे धुपदियां नू तारे शाहसत नाम जी लटाउंदे खुशियां शाहसत नाम जी लटाउंदे खुशियां कम है उन्हां दा हर रोग दा राम नाम वरी की दवाई कोई ना करे जो इलाज हर रोग दा जिहड़ा सतगुरु दे बचन मंनदा ओही ही जहानी सुख भोगदा ओही ही जहानी सुख भोगदा ओही ही जहानी सुख भोगदा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिके साजन वाजी प्यारी सत्संग जीओ जीवात्मा सदियों से मालिक से बिछड़ी हुई है और वो मालिक जो कणकण में जर्रे जर्रे में मौजूद है जो आत्मा के साथ रहता है पर काल की ऐसी मनमाया की अंधेरी उठी हुई है आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर में होते हुए आत्मा को परमात्मा नजर नहीं आता वो गॉड वो अल्लाह वो वाहिगुरु वो राम कणकण में जर्रे जर्रे में मौजूद है हर किसी के अंदर रहता है लेकिन हैरानी की बात है लोग अपने अंदर ढूंढने की बजाय उसे बाहर ढूंढते हैं सच्चाई यह है वो सुप्रीम पावर वो गॉड वो राम सबके अंदर रहता है और उसे हासिल करने के लिए जंगल पहाड़ों जाड़ों में जाने की जरूरत नहीं उसे हासिल करने के लिए कपड़े बदलने की
धर्म बदलने की जरूरत नहीं, उसे हासिल करने के लिए अपने विचारों को बदलना है। और ये विचार इंसान के तभी बदलेंगे जब इंसान के अंदर बेइंतहा आत्मबल आ जाएगा, खुद पे यकीन होगा कि हां मैं अपनी इन आदतों को बदल के रख दूंगा, हां मैं ऐसा कर सकता हूं। जब पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगी तो आप परमपिता परमात्मा को अपने अंदर देख पाएंगे, अपनी नेगेटिविटी, अपनी नकारात्मक सोच को हटाना है। अल्लाह आराम जितना देता है उसका शुक्राना मनाओ, और जो नहीं मिल रहा उसके लिए भक्ति इबादत कर्म करो। इंसान अगर वचन मान ले पता नहीं क्या से क्या हो जाए। पीर फकीर राम की बात सुनाते हैं, पीर फकीर अचानक बात जो कहते हैं वो परमपिता परमात्मा की होती है। कोई उसे मान ले तो 100% पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएं, 100% सफलता उसके कदम चूमे। और जब मन हावी हो जाता है तो लोग संत पीर फकीरों के वचनों की धज्जियां उड़ा देते हैं, तब लगता है कि कौन सा राम पास में है, कौन सा भगवान पास में है। और फिर वो लोग दुखी होते हैं और दोष सतगुरु राम अल्लाह को देते हैं। तो ये गलत बात है, ये सही नहीं है। अपने अंदर के तरफ निगाह मारो, आपको पता चल जाएगा कमी कहां है। अपनी उन कमियों को दूर करने के लिए सुमरण करो, सेवा करो, तो जरूर आपकी वो कमियां दूर हो जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बन जाएंगे। इंसान अगर अपनी कमियां देखे और उन्हें दूर करने के लिए भक्ति इबादत करे तो यकीनन उसकी कमियां दूर भी होती हैं और भक्ति में मन भी लगता है। लेकिन जब आप अपनी कमियां ना देखते हुए अल्लाह वाहिगुरु राम में कमियां निकालने लगते हैं तो फिर आप और पीछे चले जाते हैं, रूहानियत में, इंसानियत में गिरते चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मबल हो, अगर आप चाहते हैं आपकी गम चिंता टेंशन परेशानियां दूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में नजारे हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, खुशियां ही खुशियां हो, तो इस चाहत को पूरी करने के लिए घंटा सुबह शाम दो तो ये चाहत कुछ महीनों में पूरी हो जाए। बाकी 10 मिनट दे दो, 5 मिनट सुबह शाम, 10 मिनट सुबह शाम, तो समय और ज्यादा लगेगा। पर लगातार सुमरण गुरुमंत्र मेथड ऑफ मेडिटेशन से आपकी ये चाहत पूरी जरूर एक दिन हो जाएगी। जब उगतियां जुगतियां हार जाती हैं, जब इंसान को लगने लगता है कि कोई भी चीज काम नहीं करती, तो बस एक ही चीज काम करती है, राम का नाम। लगातार जाप करो, मालिक से दुआ करो, वो सुनेगा, हर हाल में सुनेगा, और आप सुखमय जीवन जरूर व्यतीत करने लगेंगे। तो जो भी सत्संग यहां आई है उसमें शादी वाले दो परिवार आए हैं जी,
ekshadirubaru.com वेबसाइट के तहत तय हुई है आशीर्वाद। दोनों परिवार दीन दुखियों मध्य बैंक में पैसे जमा करवा चुके हैं आशीर्वाद। एक परिवार के एक मेंबर ने मरणोपरांत शरीर दान का पर्ण किया है, सुश्री दान महादान आशीर्वाद। तो आ जाए, विदेशों से आए हैं, यूएसए से अंग्रेज कॉरिंसा, फ्रांस से रोजर आरसी आर्किटेक्ट हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू और प्लीज टेक योर सीट। आशीर्वाद आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए। विदेश जाने वाले कुवैत, दूर दराज से आए मुंबई, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, तो सबको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना। तो 7 बजेंगे बेटा और आप दिल जोड़ माला डालना, तो शुरू कीजिए भाई। और इनमें दो बच्चे शास्त्रा जी की मेंबर है, घोष जी के मेंबर हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना आशीर्वाद। जी आशीर्वाद। और अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाएं बेटा। और आपने देखा ये शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मध्य करना नहीं भूलते। ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। दोहा कत्तर डेरा सच्चा सौदा की रूहानी स्थापना में जट्टू इंजीनियर की मूवी की रिलीज डेट आने की खुशी में कल ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया और काजू बादाम अखरोट फ्रूट है, प्रसाद बना दिए, प्रसाद बन गया बेटा, ले लेना, सुमर करते रहना मालिक साथ। नर्सिंग का एग्जाम कल लगा रहे हैं ब्लड डोनेट कैंप जी, तो नर्सिंग का एग्जाम है जी, रहमत करना। संदीप कौर इंसान यूएस से आशीर्वाद। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस इंडिया में IBR में लाइव वीडियो सच चैनल ऑडियो वीडियो के द्वारा हजारों लोग देख रहे हैं, सत्संग बैठी है, सबको बहुत आशीर्वाद। सेवा करना मालिक खुशी से नवाजते हैं, सो नारा लगा के बैठ जाइए आशीर्वाद। ब्लाक बरवाला जिला हिसार के सेवादार एक मंदबुद्धि भाई के संभाल में इलाज करवा रहे हैं, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, आशीर्वाद। अच्छे से इलाज करवाइए, पता कीजिए और फिर इनको घर पहुंचाइए, मालिक आपको खुशियां दे, प्रसाद ले लेना आशीर्वाद, प्रसाद ले लेना बेटा। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितने बार दवाई लेने, पहले आधा घंटा सुमरण करना है, बाहर से अगर फायदा नहीं तो अपना हॉस्पिटल गरीबों का इलाज सास संगत की तरफ से बिल्कुल फ्री है। शादी हुई को कई साल हो गए, बच्चा नहीं है, सुमरण करना बेटा, दोनों मियां बीवी चेकअप करवा लो, रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो सुमन करते रहना, मालिक रहमत करेंगे, और कमी है तो सुमन करके दवा लेना आशीर्वाद। खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, अपनी जगह पे जल्दी से खड़े हो जाइए। 3 परहेजों में जिनसे गलती हुई है, इधर उधर मत देखा करो, जल्दी खड़े हो जाओ। वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां चली जाती है, सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक फिर से रहमत करेंगे, तो आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाइए, आगे से गलती ना करें। दर बदर हुए पाखंड में पड़े, लॉकेट गुम हुआ, बचन नहीं माने, दांत गुम हुई, सेवा पर नहीं आए, सुबह की बेअदबी की, प्रसाद खराब हुआ, गलत मांग मांगी, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाइए। कोई भी गलती कभी दोहराया ना करें, बैठ जाइए। सोमनाथ इंसान लगातार 2 महीने सुमन किया, लगातार सुमन चलता रहे, गलती पे गलती करने से खुशियां बहुत दूर जाती हैं, पर आप लगातार सुमन करते रहोगे तो मालिक रहमत करेंगे, नारा लगा के बैठ जाओ, सुमन करते रहना। जो कहते हैं मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी प्राई जिन चुड़ैल है, वो अपने आप खड़े हो कि क्यों बैठे जा रहे हो भाई, वो तो एक आदमी को माफी मिली है दूसरी बार की, आप वैसे ही बिना वजह ही वो नाम लिखवाना पड़ता है। हाँ, जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो खड़े हो जाएं। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, चुपचाप खड़े रहना है, बीमारी का प्रसाद लेना, हॉस्पिटल से दवाई ले लेना, आपके सारे भरम भूत भगा दिए, कोई भूत आपके अंदर नहीं है, आप नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले लेना, जल्दी से बैठ जाओ, खड़े रहेंगे तो भूत आना जाएगा, जल्दी बैठो।
डेरा सच्चा सौदा रवानी स्थापना माह की खुशी में सत्र रोमचारी सेवादार भाई 15,000, प्रौढ़ा समिति 34 शिफ्ट की बहने 19,000, सत्र रोमचारी सेवादार बहन हरमेल 15,000, भाई की बरसी पर 8 बहन भाई दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। खड़े हो जाइए। तो सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, आत्मा जीते मन की हार हो, और जिस काम के लिए आपने जिंदगी लगाई है उसमें आप तरक्की करें, आगे बढ़ते जाए, अच्छे कामों में, नेक कामों में, मालिक दया में रहमत से नवाजे, मालिक से प्यार बढ़ता जाए। नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद जी, प्रसाद ले लेना बाद में। 6 परिवार आए जिनके परिवार में किसी की मौत हुई है, एक का नाम नहीं लिया था, खड़े हो जाए। जिनका नाम नहीं लिया था परिवार वाला, घंटा सुबह शाम इकट्ठे बैठ के 2-3 महीने लगातार सुन करो, मालिक कुछ ना कुछ रहमत करते हैं। 2 परिवार अस्थियां लेके आए हैं, आश्रम में देना चाहते हैं, एक पहले जमा करवा चुका है, तो उन पे पेड़ लगाया जाता है, आत्मा का वाला परिवार का एडम वाले वो अस्थियां ले लीजिए। 2 की आंखें दान महादान, 1 का शरीर दान त्वचा दान, दोनों दान महादान आशीर्वाद। 2 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए। दुख जरूर लगता है जब कोई चला जाता है, लेकिन जो जख्म देता है मरहम जरूर देता है। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना बेटा, मालिक आपको ताकत दे, वही झेलने की शक्ति देता है, हिम्मत देता है। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना। आशीर्वाद। नशा छोड़ने वाला कोई आया, 7 दिन के लिए रुकना होगा, परिवार का एक आदमी साथ रहना फरी, खाना फरी, जरूरत पड़े तो दवा फरी, लेकिन ख्याल रखना जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग सोहबत हरगिज नहीं करना। शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, पेपर है, आशीर्वाद लेने आए हैं या सामान लेके आए हैं ऊपर करने, सारी साथ संगत को अच्छे नेका मौके लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में पधारी है आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आए नुकसान दिद गए, मोस्ट वेलकम। अब थोड़ा समय सजे रहना है, उसके बाद जैसे आपका विचार जाने का समय अनुसार जा सकते हो, रहने का जैसे सेवादार भाई की तरह रहना, सेवा करना, आराम करना है, और कल की मजलिस सुबह 8 बजे से है, सो ये ध्यान रखना। अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा।